एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक के कुंडली में खिलाड़ी बनने के योग हैं तो उसे किस प्रकार से हम कुंडली विश्लेषण में देख सकते हैं। इसके लिए हमें जातक के कुंडली का लग्न भाव देखना होता है। लग्न से व्यक्ति का स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति को देखा जाता है। तो कुंडली में लग्न भाव एवं लग्नेश की स्थिति शुभ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। उसके पश्चात हम तृतीय भाव देखेंगे। तृतीय भाव कुंडली का पराक्रम भाव है। यहाँ से खिलाड़ी में पराक्रम और पुरुषार्थ किस तरह का है उसकी जानकारी मिलती है। इसके लिए तृतीय भाव का कुंडली में बलवान होना आवश्यक होता है। इसके पश्चात कुंडली का पंचम भाव देखते हैं। कुंडली का पंचम भाव खेल का स्थान भी होता है। आपकी विचारधारा और बुद्धि कैसी है यह भी पंचम भाव से देखी जाती है। खेल के विचार करते हैं तो यह खेल प्रतिभा और खेल में दक्षता कैसी है वो कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती है। कुंडली के पंचम भाव पर सुप्रभाव हो तथा अन्य संबंधित भावों से इसका संबंध हो वो बहुत जरूरी है। फिर हम षष्ठम भाव को देखेंगे। क्योंकि कुंडली का प्रतियोगिता, विरोध पक्ष आदि का संघर्ष के आदि के बारे में जानने के लिए षष्ठम भाव को देखा जाता है। षष्ठम भाव से हम प्रतियोगिताओं में विरोधी पक्ष का दमन करने का योग देखते हैं। इसके पश्चात नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है उसको देखते हैं। वो भी बलवान होना जरूरी है। दशम भाव जो कि कार्य का क्षमता का होता है। दशम भाव का मजबूत होना भी जरूरी है। इसके पश्चात हम इलेवेंथ हाउस देखेंगे। इलेवेंथ हाउस से हमें हमारी उपलब्धियां और लाभ कैसी होगी उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसका बलवान होना भी जरूरी है। इस प्रकार से हम भावों के बारे में जानकारी मिली। अब हम भाव के स्वामी की बात करेंगे। लग्न भाव के स्वामी का केंद्र त्रिकोण में स्वराशि उच्च राशि का होना आवश्यक होता है। इसी तरह से तृतीय भाव का स्वामी भी केंद्र केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए, उच्च राशि का होना चाहिए। इसी तरह पंचम भाव का स्वामी भी कुंडली में अच्छी स्थिति होना चाहिए और उस पर सुप्रभाव होना चाहिए। षष्ठ भाव का स्वामी भी हमें कुंडली में बलवान होना चाहिए। नवम, दसम और ग्यारह भाव के स्वामी कुंडली में सौगरी उच्च के हों तो वो भी हमें देखना चाहिए। इस तरह हम ग्रहों के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह जो है पराक्रम का कारक है उसका तृतीय भाव से संबंध हो और वो अगर रुचक योग बना रहा हो तो कुंडली में जातक को पराक्रम की जीत हासिल होती है। अन्य ग्रहों में हम देखेंगे कि चतुर्थ भाव जो है चतुर्थ भाव से हम बलवान होना आपकी लोकप्रियता को दिखाता है। इस तरह से सूर्य और शनि मंगल
अब बलवान होने पर खिलाड़ी में पुरुष व्यक्ति जीवन में सफल करता है, पुरुषार्थ प्रदान हो जाता है। बहुत सी राशियां इसमें हमने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि मेष लग्न, वृषभ लग्न, कर्क लग्न, तुला, वृश्चिक और मकर लग्न, यह राशि के लोग इस खेल के उसमें ज्यादा सफल हो पाए गए हैं। अगर दशम भाव में शनि, मंगल, सूर्य एवं राहु रहने से खिलाड़ी कम्युनिस्ट कर्म करने वाले होते हैं, अभ्यासशील होते हैं और कार्य करने की सब क्षमता उनमें बहुत अधिक रहती है, तो दशम भाव में ये ग्रह अगर सौ ग्रह सौ राशि के हों, उच्च के हों और उन पे अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो दशम भाव बलवान होने पर खिलाड़ी में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। चंद्रमा भी व्यक्ति का उच्च का होगा, सौगरी होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, तो बलवान होने पर अच्छे सुस्थिर होता है। राहु सदा ही सीधे फल देने वाला होता है और इसका भी बलवान होना आवश्यक है। इस तरह से हमने देखा कि जो भी भाव हमने ऊपर बताए हैं और जो ग्रह बताए हैं उनका आपसी संबंध एक दूसरे से बने, केंद्र में बने, त्रिकोण में बने, उनमें एक दूसरे के जैसे कि नवम भाव का स्वामी लग्न में हो, लग्न भाव का स्वामी नवम में हो, ऐसा राशि परिवर्तन पहले और नौवे भाव में हो, नौवे और दसवें भाव में हो, दसवें और नौवे भाव में हो, इस तरह से एक दूसरे के स्वामी में राशि परिवर्तन बनता है तो वो भी राजयोग प्रदान करते हैं। तो कुंडली में हम अगर खिलाड़ी बनने की संभावनाओं को तलाशेंगे तो ऊपर बताए हुए भावों और ग्रहों के कुंडली में अच्छे संबंध होने पर हम जातक को राय दे सकते हैं कि आप इस फील्ड में अपनी संभावनाएं तलाशने की कोशिश करें। इसके साथ साथ में हम नवांश और दशमांश कुंडली में भी ऊपर बताए हुए भावों ग्रहों को उसी तरह से देखते हैं। साथ साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ग्रह की दशा महादशा चल रही है, उस हिसाब से भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए खिलाड़ी बनने के लिए ऊपर बताए हुए सूत्रों को उचित ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर और उन ग्रहों का जो आपको सफलता प्रदान करेंगे उनको मजबूत किया जाए, बलवान किया जाए, तो हम खेल के मैदान में बाजी मार सकते हैं। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, इनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 0989323429। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड
को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसकी जानकारी दें। धन्यवाद।